इस संसार का नियम यही है, जो उदय हुआ है वो अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा जाएगा, जो छीना गया है वो गिर पड़ेगा, और जो आया है वो जाएगा। मन में धीरज रखने से सब संभव होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ न कुछ लेकर ही आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। मंदिरों में आरती की तेज आवाज़, मस्जिदों में नमाज और गिरजाघर में प्रार्थना लोगों द्वारा ही सुनी जाती है, परमेश्वर द्वारा नहीं। ईश्वर केवल मौन आवाज़ सुनता है जो हमारे हृदय के अंदर से निकलता है। हमेशा याद रखो कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा करो। अगर आप दूसरों की गलती होते हुए भी माफ़ कर देते हैं तो वास्तव में आप उससे बड़े हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो कभी दूसरों के बदलने की आशा मत करो, खुद बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए खुद जूते पहनना जरूरी है, ना कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाना। जो लोग सिर्फ आपको ज़रूरत के समय याद करते हैं उनके लिए काम जरूर आना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के समय ही रोशनी खोजी जाती है और वह रोशनी आप ही हो। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए। इस जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार ये है आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हो। हीलिंग का ये मतलब नहीं कि कभी पीड़ा ही नहीं थी, इसका मतलब है कि अब वो पीड़ा हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत, वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। शक करने से शक बढ़ता है, विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। ये निर्भर करता है कि आप किस तरह बढ़ना चाहते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और जो सच है। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब यह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का इस्तेमाल करें, हम शब्द का नहीं। जब तक आप खुद दुखी होना नहीं चाहते तब तक आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। को दुल दिखाने वाली बात ना कहें, वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रह जाती है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस दुनिया में जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। अगर किसी को हम दुआएं देंगे तो दुआएं ही वापस लौट कर आएंगी। क्रोध हमेशा सबसे ज़्यादा मनुष्य को तब आता है जब हम अपने आप को कमज़ोर और हारा हुआ मानते हैं। किसी से बदला लेकर नहीं, आप खुद बदल कर देखिए। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि यह आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। आप समय भले ना बदल सके, आप अपनी आदतों को बदल लीजिए, समय खुद ब खुद बदल जाएगा। कभी निस्वार्थ किसी की मदद तो करके देखिए, फिर ईश्वर आपको किसी की भी मदद की ज़रूरत पड़ने नहीं देगा। शब्दों में भी गर्मी होती है, शब्द आपको जला भी सकते हैं और सुकून भी दे सकते हैं। हो सके तो जीवन में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।